चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली में 15 अस्पतालों में आज भी हड़ताल जारी है। फोर्ड एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा का यह विरोध प्रदर्शन है। दिल्ली के 15 अस्पतालों में आज भी हड़ताल जारी है। फोर्ड एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही हिंसा का यह विरोध देखने को मिल रहा है। 15 अस्पतालों में शनिवार को भी यह हड़ताल जारी रहेगी। राम मनोहर लोहिया जीटीबी अस्पताल में भी हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टर। भगवान महावीर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भी हड़ताल चल रही है। संजय गांधी अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर, लेडी हार्डिंग में भी सभी डॉक्टर हड़ताल पर है। वाहद सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्पताल में भी सारे डॉक्टर हड़ताल पर है। इमरजेंसी सेवा को हड़ताल से अलग रखा गया है। अगर कोई इमरजेंसी में मरीज जाता है तो उसके लिए डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे और उनका इलाज करेंगे, तो इसको बाहर रखा गया है। बाकी ओपीडी को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा हुई थी उसके प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, पूरे भारत में इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के एम्स की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात करें, भगवान महावीर महर्षि वाल्मीकि की बात करें या अन्य अस्पतालों की बात करें जिनमें 15 अस्पताल शामिल हैं, संजय गांधी अस्पताल है, बाबा साहब अम्बेडकर है, लेडी हार्डिंग है, इबाहस है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ये अस्पताल उनमें 15 अस्पतालों में शामिल हैं और यहाँ के डॉक्टर्स पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। गर्मी विकराल रूप धारण किए हुए हैं और ऐसे में डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन गया है। लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं। एम्स की अगर साफ तौर पर बात कर ले, कल जिस तरह से जो मरीज जो अन्य प्रदेशों से आते हैं वहाँ इलाज कराने इस उम्मीद में आते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स मिलेंगे, उनको भी निराशा हाथ लग रही, तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और इस पर त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी साफ तौर पर कह दिया है, एक पत्र लिखकर ये बात जाहिर कर दी है, क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर जो है केंद्रीय कानून बनाने के लिए गृहमंत्री से मुलाकात भी की है, लेकिन उस पर भी अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल कहीं ना कहीं मरीजों के लिए परेशानी का सबब है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक नियमित कानून बनाने की जो प्रक्रिया डॉक्टर्स द्वारा निभाई जा रही है, जो की जा रही है, जो मांग की जा रही है गृहमंत्री से, उस पर अभी तक क्यों अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मरीज परेशान रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे, डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। जैसा कि खबरें ये भी आ रही है, कई डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल में इस्तीफा तक दे दिया है, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग में भारत में देखने को मिल रही है। राकेश सोनी संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। राकेश, साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, 15 अस्पताल, गर्मी विकराल है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही हैं, ऐसे में डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना अभी तक क्या कुछ हो रहा है और क्या डॉक्टर्स की मांग है? राकेश, तो साफ तौर पर ये बड़ी खबर है और दिल्ली के लिहाज से अगर देखें, दिल्ली के लिहाज से बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि मरीज जिस तरह से परेशान हैं और 15 अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या है। सरकारी अस्पताल की स्थिति समझ सकते हैं आप, जैसा कि लोग जब डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं होते तब लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, अब डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लोग और भी परेशान हो रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बुरी खबर कह सकते हैं दिल्ली के लिहाज से, 15 अस्पतालों के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली दिल्ली में? बिल्कुल, जिस तरीके से तो अगर आज की बात करें तो दिल्ली के 18 अस्पताल हैं जिसमें से 15 बड़े अस्पताल हैं जहां के डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर गए, और अगर कल की बात की जाए तो कल भी दिल्ली के जो दो बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग वहां के डॉक्टर हड़ताल गए, तो कहीं ना कहीं जो चिलचिलाती गर्मी है इसमें बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है और डॉक्टरों की इस तरीके की हड़ताल से मरीज कहीं ना कहीं अब बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी सूद नहीं ली गई। हालांकि जो डॉक्टरों ने है, जो बंगाल के डॉक्टरों, उन्होंने खुद अमित शाह को भी पत्र लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ममता बनर्जी का रुख है उसमें कोई भी नरमाहट देखने को नहीं मिली और इसकी वजह से कई डॉक्टरों ने इस्तीफा भी दे दिया। और लगातार अगर देखा जाए तो आज 4 दिन से ऊपर हो गए, 5वां दिन है, और जिस तरीके से बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई थी उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर हैं स्ट्राइक पर गए, तो लगातार जो आदित्य अभी तक देखा जाए जिस तरीके से जो हड़ताल का सिलसिला है वो पूरे देश में देखने को मिला है। और राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा गढ़ है जहाँ दूर दराज से जो मरीज है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, रोजाना तकरीबन जो दिल्ली के तमाम अस्पताल हैं लाखों मरीज जो हैं वो इलाज कराने पहुंचते हैं। अगर बड़े अस्पतालों की बात की जाए, चाहे गंगाराम हो, LMJP हो, राम मनोहर लोहिया और एम्स और सफदरजंग, यहाँ पर ऐसे से लोग पहुंचे जिनको कि अपॉइंटमेंट लेकर वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं जब
पता चलता है कि हाल के अंदर हड़ताल है, तो कहीं ना कहीं उनको एक मायूसी मिल जाती है और जिस तरीके से फिर अगली डेट के लिए उनको फिर से चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक साफ तस्वीर साफ नहीं हो पाती आदित्य डॉक्टरों को हड़ताल करनी थी और मरीजों को, क्योंकि कहीं खामियाजा जो है वो मरीज और परिजन होते थे मिला होते उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन इस पे अभी तक जिस तरीके से कोई रणनीति नहीं तैयार कर रही है, जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनकी मांग वो की सुरक्षा को लेकर मांग रहे हैं। बिल्कुल राकेश, क्या यहाँ स्वाभिमान और अभिमान के पचोपेश में और जिस तरह से देखा जा रहा है केंद्र और राज्य की ये जो स्थिति देखने को मिल रही, क्या इसके बीच में जनता फंस रही है, मरीज फंस रहे हैं? बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरीके से जो चीजें देखने को मिली, अगर हम कल अगर आज की बात करें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो मरीज अस्पतालों में पहुंच, उनको पता नहीं होता है कि वो जिस डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं और वो डॉक्टर खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो इलाज है उसमें देरी हो रही है, साथ ही साथ लोग अपना वक्त निकाल कर अस्पताल पर पहुंचते हैं और वहां पर भी उनको कहीं ना कहीं मायूसी नजर आती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर और नेताओं के बीच में जो जनता है वो इसकी भी नजर आ रही है। और अभी तक वही सही इस पर भी कोई चीजें हैं, जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए तो मेडिकल एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि मंत्रिमंडल और जो डॉक्टर हैं उनको बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से ये अधिक देखने को मिल रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश।